फाइव गिर गई। तेरी हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉबिन गिल मोटर व्लॉग। तो ये अपना भाई चांद फुल पावर में तैयार त्यूर हो गया हुआ ये चल। तो आज मेरे साथ भाई जतिन आया हुआ है, बड़े दिनों के बाद आ नहीं रहा था तो मैंने थोड़ी बहुत ही जिद की। कल भी बोला इसे कि भाई व्लॉग क्यों नहीं कर रहा है, आज भी बोला तो भाई ये आ नहीं रहा था तो इसलिए मेरे कहने पर आ गया अब जल्दी। तो भाई जतिन का तो पता नहीं कहाँ चला गया, वो बोल रहा था पता नहीं, साथ में हमारे एक और यार दोस्त था, बोल रहा था उसको घर छोड़ना है तो उसको घर छोड़ने के चक्कर में वो पता नहीं इतनी स्पीड में कहाँ चला गया है। तो हम वहाँ पे अपना सेटअप कर रहे थे तो उसका पता नहीं चला वो कब निकल गया यार। तो बाइक का हेड दो तो इसकी थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना जैसे मर्जी भी। अब ओ चांद भाई कैसे कटिंग कर रहा है यार। भाई इन्हें भी जम्मू के राइडर हैं, वो सारे सिधरे ही जाते हैं तो मैं इनको बोल रहा हूँ कि अलग ही जगह पे जाते हैं जो कि मतलब कि देखने वाले को भी नई चीज़ मिले। और आज इसने ना डीबी किलर लगाया हुआ है भाई, इसकी मतलब कि आवाज़ बहुत है, इसकी वजह से लोग परेशान भी बहुत होते हैं। वो ये कैसे निकल रहा है यार। कहाँ जाते हो? नहीं 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 मुझे याद आ गया यार, नहीं इसके साथ नहीं भगानी है बाइक, मुझे याद आ गया यार उसकी बाइक का कंट्रोल बहुत कम। पाइप गिर गई, इसी पे पड़ गई पाइप। पाइप थी यार साली, पाइप है ना इधर से ना थॉर की बाइक ना बिल्कुल 10 या 15 की स्पीड में होगी आराम से आ रहे थे तो इधर भाई नट गिरा था, ये देखो ये पड़ा हुआ नट ही टूट गया हुआ है। तो भाई अपने चांद भाई की गिरा बाइक गिर गई, अब थोड़ी सी मतलब कि ऐसे ही नॉर्मली गिरी है, कुछ भी नहीं हुआ है बाइक को, ये टेढ़ा हो गया बस, बच गया ना तू। सो भाई नॉर्मली गिरा था वो पाइप से, बाइक स्लिप हो गई थी, मेरे पीछे पीछे भी जा रहा था आराम से आ रहा था। चलते हैं अब यार सिटी वाली साइड, ऐसे छोटी सी राइड मारने चलते हैं। ओ, 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 ओ ये क्या कर रहा है, ये किसी दिन खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। अभी इसका हाथ भी ठीक नहीं है फिर भी ये ऐसे पंगे कर रहा है। तो थोड़ा सा काम था, किसी बंदे को छोड़ना था, वो छोड़ के हम पहुँच गए हुए हैं वापिस। तो अब निकलते हैं थोड़ा सा फास्ट, मैं बोल रहा था कि भाई तू स्लो चलना है, इसकी बाइक का कंट्रोल बहुत कम है। सो भाई मज़ा आता है इस टाइम पे भी राइड करने में क्योंकि जब थोड़ी थोड़ी ठंड लगती है ना फिर ठंड का भी भाई मज़ा आता है। दिन मेरे पीछे आ रहा है, मेरा सर खा रहा है ये बार बार थ्रॉटल दे दे के ना बढ़ता है ना। ओ चांद भाई ने बिल्कुल यार मेरे पास आके फिर ब्रेक मारी। ट्रैफिक है इधर, मुझे लग रहा है कि हम ना एक घंटे के बाद पहुँचेंगे सिटी में। जतिन भाई को आज थोड़ा सा काम है दुकान पे तो हम जा रहे हैं वहाँ। जतिन मेरे आगे नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने उसे समझाया हुआ कि थोड़ा स्लो चल तो वो बिल्कुल ही अब स्लो चलने लग गया है, लेकिन उसकी आवाज़ ना मेरे कानों में गूंज रही है थोड़ी थोड़ी कि अभी हम चले जाएंगे। वो देखो देखो, ओए तेरी, वो इंडिकेटर नहीं दिया हुआ तो अंकल जी लो इंडिकेटर तो दो आप, हमें लगेगा सीधा जाओगे तो हम तो कहीं से भी निकलेंगे। इंडिकेटर तो दो, देखो आपने इंडिकेटर दिया नहीं हुआ है। हाँ वो तो ठीक है, कम से कम हाथ ही दो हम रुक जाएं। निकालो 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 सर, इंडिकेटर देख लो अभी तक भी नहीं बंदे ने यार दिया हुआ है। हम स्पीड में थे वो बात अलग है, ठीक है हम स्पीड में थे लेकिन यार गलती है जो गलती है, हमारी गलती होती हम मान जाते, ठीक है हमारी गलती थी जतिन की कि वो थोड़ा सा रॉन्ग साइड ले रहा था, लेकिन शायद उसको लगा कि ये सीधे ही जाएंगे क्योंकि हम बहुत बार, हम ही नहीं इधर फोर व्हीलर वाले भी ना बहुत बार रॉन्ग साइड ले लेते हैं कई बार, तो भाई इंडिकेटर किस लिए दिए होते हैं। चल निकल निकल, जतिन ने अपनी बाइक ना बिल्कुल कटारा कर दी हुई है, मेरा तो मन कर रहा था कि मैं इस पर ना रोल मारूँ बर्न आउट करूं इस पे।
सो भाई कई बार इधर से भी पता नहीं चलता है, ये जो कर्व है ना इधर से भी कई बार आगे से गाड़ियां आ रही होती है रॉन्ग साइड से, तो इसलिए मैं थोड़ा स्लो हो गया था। ओ भाई भाई मेरी बाइक आज बहुत खींच रही है और मुझे नहीं पता टाइम पे इसकी ब्रेक भी लगेगी या नहीं लगेगी। आराम से बाइक चलो, जहाँ पे थोड़ा सा रोड खाली मिलता है तो वहाँ पे जैसे मर्जी चलाओ यार, क्योंकि मतलब कि कोई भी बाइक वाला आगे पीछे से या बच्चे बच्चे जो भी निकलते हैं मतलब कि उनका भी ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा। ओ ये क्या कर रहा है बदतमीज है। निकल 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 निकल। ओ क्या क्या यार, ऑटो वाले ने देखा कैसे एकदम से कट मार दिया यार इसके सामने से। ओ रिएक्शन देखो यार भाई, इसका पता नहीं चलता ये कब बाइक खींच देता है, फिर मुझे भी इसके पीछे खींचनी पड़ती है। ओ ये क्या कर रहा है अपना टायर खत्म कर रहा है ये स्किट मार मार के। वो देखो भाई इसकी ना बाइक की जब भी हम ब्रेक मारेंगे ना तो ये घूम जाती है इसकी बाइक, मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी चलाने वाले पे डिपेंड है। ओ ये क्या कर रहा है वो। भाई ये कैसे बाइक खींच रहा है आज। सो भाई अब मैं पहुंच गया हूँ हाईवे पे, क्योंकि हम अंदर थे लोकली अंदर घूम रहे थे, तो भाई हमें काम था एक दो सिटी में। जतिन चला गया वो अपने घर और चांद भाई भी निकल गए हुए हैं, तो इधर से मैं भी निकल रहा हूँ अब घर। ओ भाई ट्रैफिक देखो यार कितनी है। ओ निकला निकला निकल गई भाई, क्योंकि अब मैंने साइड पे ना वो लोहे के लगवा लिए हुए हैं, तो उसकी वजह से यार मतलब कि ना डर रहता है कि किसी की गाड़ी को ना लग जाए। अब तो आगे भाई निकल ही नहीं सकता मैं ना। शुक्र है भाई थोड़ी सी जगह मिली निकलने को, थोड़ा सा मतलब कि ट्रैफिक कम हुआ इधर आके। और रोड तो बिल्कुल गंदा है यार, मतलब कि इधर तो ब्रेक भी बंदा मारेगा कोई तो 4 फीट आगे जाके ब्रेक लगेगी, स्पीड में तो इधर बंदा चला ही नहीं सकता है। ओ देखो मैडम वो कैसे देख रहे थे यार मुझे, मैंने तो किया भी कुछ नहीं। तो फाइनली चलते हैं अब घर, तो कमेंट करके बताना आज का व्लॉग कैसे लगा। तो मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।